बड़ौद के रामनगर में प्लाट की जमीन को लेकर चल रहा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बागपत शहीद शामली के दंपत्ति ने एसडीएम ऑफिस में शिकायती पत्र देकर प्लाट कब्जा मुक्त कराने की मांग की। बड़ौद शहर के रामनगर में एक प्लॉट पर कब्जे की शिकायत शामली के दंपत्ति ने बड़ौद तहसील में दी है। आरोप है कि उनके प्लाट पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जब वे प्लॉट पर जाते हैं तो उनको हथियार दिखाकर डरा दिया जाता है। शिकायतकर्ता दंपत्ति का नाम मनोज कुमार और शीला देवी है, जो शामली जनपद के ताहिरपुर भविष्या गांव के रहने वाले हैं। दंपत्ति ने एसडीएम बड़ौद को अपने प्लाट के दस्तावेज भी दिखाए हैं, साथ ही एसडीएम बड़ौद ने जांच के निर्देश दिए हैं। तहसील में जी एक यहां का लोड लेखा चरण सिंह है, उसने हमने प्लॉट लिया था जी 2007 के आसपास, और जी उसका भाई रणबीर है। जब भी हम अपने प्लॉट पे जा, जब भी हमें कट्टे बंदूक गोली, उसके दो लड़के हैं, जब भी दबंग पड़ा करे हमारे साथ, हमारी घरवाली के साथ भी मारपीट कर दी, हमने रिहाई प्लॉट पे भी नहीं आना छोड़ दिया हमने। अच्छा जी, आज तहसील में भी यहाँ मारपीट करी उन्होंने आके हमारे साथ में, और प्लॉट हमारा दूसरे आदमी की दीवार कटवा दी अंगे थे। दबंग आदमी डर लगे हमें तो उससे हमने बड़ौद भी आना छोड़ दिया। ये हमारा एक प्लॉट था 450 गज का, और उसमें से जिससे हमने लिया था उसमें से 57 गज भी दूसरा जबरदस्ती में प्लॉट बनवा दिया, मकान बनवा दिया। प्लॉट लिया था हमने रणबीर चरण सिंह से रणबीर का भाई है, वो प्लॉट दबाने वाला रणबीर है, ये रामनगर में जी। अब हम चाह रहे हमारा प्लॉट खाली हो जाए, हमें अपनी जमीन का खुजा मिल जाए।